नमस्कार, मैं मुकेश आप सभी का अपने YouTube चैनल वत्सुवाच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी का अभिनंदन करता हूं। पिछले कुछ महीनों से मैंने प्रश्न कुंडली के माध्यम से बहुत सारे व्यक्तित्वों पर और बहुत सारी परिस्थितियों पर मैंने भविष्यवाणियां की है, चाहे वो चीन और भारत के साथ झड़प हो, चाहे वो अमित शाह जी का स्वास्थ्य हो, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत के मृत्यु से जुड़ी हुई भविष्यवाणियां हो, कंगना रनौत एवं महाराष्ट्र सरकार के बीच का द्वंद्व हो, या फिर सौरव गांगुली और आर्नब गोस्वामी के विषय में हो। और हर बार हमने देखा है यह कितना सटीक बैठता है, इसकी एफिकेसी कितनी है प्रश्न कुंडली की, यह बार बार प्रदर्शित हुआ है। इसी तरीके से मैंने 8 दिन पहले विभोर आनंद के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व पर, और खास करके जो उन पर केस चल रहा है, उनको जो गिरफ्तार किया गया है, इस पर मैंने एक प्रश्न कुंडली के माध्यम से एनालिसिस किया था। उनके हार्डकोर फैंस को, कुछ लोगों को पसंद नहीं भी आया था, लेकिन फ्रेंड्स, ज्योतिष एक बहुत ही न्यूट्रल साइंस है। ग्रहों की अपनी भाषा है और उस भाषा को आप समझ कर यदि बोलते हैं तो किसी को बुरा लग सकता है, किसी को अच्छा लग सकता है, ये स्वाभाविक है। महाराष्ट्र सरकार के बारे में मैंने बनाया तो जो शिवसेना के समर्थक थे, कांग्रेस के समर्थक थे, उन्होंने मुझे गालियां दी। जब SSR पर मैंने वीडियो बनाया तो बहुत सारे लोगों ने मुझे SSRian बना दिया, और जब विभोर आनंद पर मैंने वीडियो बनाया तो कुछ लोगों ने मुझे पेंगुइन तक कह दिया। फ्रेंड्स, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, न तो मैं SSRian हूं, न पेंगुइन हूं या ऑस्ट्रिच या कुछ और। मैंने विभोर आनंद के प्रिडिक्शन में एक भविष्यवाणी मैंने किया था। मैंने कहा था कि 2-3 नवंबर तक, जब तक बुध वक्री हैं, तब तक कितना भी प्रयास कर लिया जाए विभोर आनंद को बेल नहीं मिलेगा। कुछ लोगों ने कहा कि यह प्रिडिक्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसी केस में कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, उनको तुरंत बेल मिल गया, और इसी आशा में विभोर आनंद की जो टीम है, वकीलों की टीम, उन्होंने कई बार बेल का पिटिशन डाला, शायद 4 बार डाला, चारों बार बेल रिजेक्ट हो गया। और कल तो यह समाचार आया है कि शायद अगले 14 दिनों तक बेल पर सुनवाई होगी ही नहीं। सो ये ग्रहों की भाषा है फ्रेंड्स। ग्रह यदि कुछ बोलता है, प्रश्न कुंडली यदि ढंग से बनाया जाए, उसका क्राइटेरिया मीट किया जाए, तो ग्रह कभी झूठ नहीं बोलते। हमारे जैसे एस्ट्रोलॉजर्स उसको समझने में गलती कर सकते हैं, लेकिन ग्रह कभी झूठ नहीं बोलते, एस्ट्रोलॉजी कभी गलत नहीं होता। सो ये पहला प्रेडिक्शन था जो बिल्कुल सही हो गया। उसमें मैंने ये भी कहा था कि यदि 14 नवंबर तक, जब तक मंगल वक्री है, तब तक इनको बेल यदि नहीं मिलता है, और यह गलती से भी एक्सटेंड करके 25 दिसंबर तक चला जाता है, जब मंगल वापस अपनी राशि मेष राशि में आ जाएंगे, तो फिर विभोर आनंद लंबे नप जाएंगे। सो जिन लोगों को भी बुरा लगा था, जो भी विभोर आनंद के फैन हैं, उन लोगों को चाहिए कि वो प्रार्थना करें कि विभोर आनंद को जल्दी से जल्दी, खास करके 14 नवंबर से पहले बेल मिल जाए। मैंने उसी में यह भी भविष्यवाणी किया था, शनि की स्थिति, दशम भाव की स्थिति, लग्न में वक्री बुध की स्थिति एवं नीच सूर्य की स्थिति को देखकर, कि विभोर आनंद को इस न्यायालय से न्याय नहीं मिलेगा और हो सकता है उनको किसी हायर कोर्ट में जाना पड़े। परिस्थितियां जो अभी हैं उसको देखकर ऐसा ही लग रहा है कि शायद विभोर आनंद के वकीलों को हायर कोर्ट में जाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आपने यदि यह वीडियो नहीं देखा है तो यह सिर्फ 8 दिन पहले का वीडियो है। इस वीडियो के ठीक 2 वीडियो पहले मेरे YouTube चैनल पर वो वीडियो मिल जाएगा। इसके अलावे और भी तमाम वीडियोस प्रश्न कुंडली के माध्यम से जो मैंने किए हैं वो मिल जाएंगे आपको। अमित शाह के स्वास्थ्य पर अर्णब गोस्वामी वाले वीडियो को देखिए, मैंने जो जो बोला है अर्णब गोस्वामी के बारे में वो फलित हो रहा है। सौरव गांगुली के बारे में कहा है, उसमें तो अभी समय है, लेकिन आप देखिए प्रश्न कुंडली की शक्ति को। मैंने यही बताने के लिए यह छोटा सा वीडियो आप लोगों के समक्ष रखा है आज। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, बगल के बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मेरे नोटिफिकेशंस तुरंत आपको मिल जाया करेंगे।
वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स को लिखिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हर हर महादेव।